हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस 2021 की बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 के अंदर किस प्रकार से हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे। एक्सेल में तो आपने बहुत ड्रॉप डाउन बनाया होगा, ठीक है, डिपेंडेबल बनाया होगा, ऐसे बनाया होगा, वैसे बनाया होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या कहानी है, तो आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटाबेस। तो यहां पर ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं हम तो हमारे सामने एक नया सिनेरियो, एक नई विंडो खुल करके आती है जो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। यहां पर क्या करना है, ये जैसे ही ओपन होगी तो यहां पे ब्लैंक डेटाबेस आपको बनाना है। तो यहां पे देखिए ब्लैंक डेटाबेस ही बन रहा है। आप चाहे तो यहां पे डिफॉल्ट जो नेम आ रहा है इसको चेंज कर सकते हैं, डेटाबेस 239 आ रहा है तो इसे मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन चलिए फिलहाल यही रखने वाले हैं हम। और यहां पर क्रिएट पे करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सिनेरियो आ जाता है। अब यहां से काम बहुत आसान है, यहां से आपको सीधा सीधा व्यू पे जाना है और व्यू पे जाने के बाद इसे मैं ड्रॉप डाउन के नाम से सेव करता हूं। ये टेबल आपकी बन रही है, ठीक है, और इस टेबल को मैं ड्रॉप डाउन के नाम से सेव कर रहा हूं। देखिए ये जो है प्राइमरी की वाला फील्ड है तो इसे मैं आईडी ही छोड़ देता हूं। यहां पे कर देते हैं नेम, ठीक है, और यहां पे नेम जो है, यहां देखिए यहां पे आपको बहुत सारे डेटा टाइप मिल जाते हैं। तो यहां पे जैसे ही ओके करिएगा तो यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट एंड टाइम और ये तमाम डेटा टाइप आपको मिलेंगे। लेकिन अभी हमें शॉर्ट टेक्स्ट यहां रखना है और यहां पर बात करनी है इनके स्टेट की, ठीक है। तो यहां स्टेट के लिए मैं ड्रॉप डाउन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, यहां पर देखिए यहां पर जैसे ही जाते हैं तो बहुत सारे डेटा टाइप आपको दिख ही रहे हैं। तो यहां पे आपको आना है लुकअप विजिट पे। लुकअप विजिट पे जैसे ही आते हैं तो यहां पे कह रहा है क्या आप किसी अनदर टेबल से वैल्यू फेच कराना चाहते हैं क्वेरी वगैरह के लिए। तो नहीं, हमें किसी अनदर टेबल से तो फेच नहीं कराना है, हम आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वॉन्ट पे टिक करेंगे और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक कॉलम मिल जाता है। अब यहां पर आप नाम दे सकते हैं स्टेट का। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ यूपी दे दिया, फिर यहाँ लिख दिया एमपी, फिर यहाँ महाराष्ट्र लिखते हैं, महाराष्ट्र, तो ये लिख दिया महाराष्ट्र, ठीक है। फिर एंटर करके नीचे आते हैं, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर अब हम राजस्थान दे देते हैं, राजस्थान, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा और यहाँ पे मैं कर देता हूं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ये लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से ये हो गया। अब यहां से ओके करते हैं और यहां पर फिनिश करते हैं इसको। तो यहां पर हमारी ड्रॉप डाउन तैयार हो जाती है। दूसरा, सिटी के लिए भी ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो यहां पे सिटी लिख सकते हैं और यहां पे वही काम कि आपको लुकअप विजिट पे जाना है, आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाना है और यहां पर आकर के उन सिटीज के नाम टाइप करने हैं जो रिलेटेड स्टेट की हो सकती है, ठीक है। तो यहां देवरिया गोरखपुर टाइप करता हूं मैं और फिर नीचे आते हैं, यहां पर मैं कर देता हूं कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, और यहां पे मैं कर देता हूं सतना एमपी के लिए, ठीक है, यहां पे मैं कर देता हूं मैहर एमपी के लिए, यहां पे मैं कर देता हूं जबलपुर एमपी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से और भी दे सकते हैं, महाराष्ट्र के लिए मुंबई कर देते हैं। तो ये हो गया। अब यहां से नेक्स्ट पे जाना है और नेक्स्ट पे जाके यहां से फिनिश कर दीजिए। बस यहां पर व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कहेगा कि सेव कर लीजिए इसको, तो चलिए सेव कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहां से यस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब यहां पर हमको नेम एंटर करना है। देखिए यहां पर आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट होगी क्योंकि ऑटो नंबर डेटा टाइप रखा था हमने, ठीक है। तो यहां पे नेम लिखते हैं, तो नेम में मैंने लिख दिया जैसे राम लिख दिया, ठीक है। और यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको देखिए यहां पर बहुत सारे स्टेट के नाम आपको नजर आ रहे हैं। तो ये यूपी किया हमने और यूपी करते ही ये देवरिया के हैं, ठीक है। यहां पे देखिए दोनों में ड्रॉपडाउन नजर आ रहा है। आप यहां पे श्याम करते हैं तो यहां पे ये श्याम आ गया और यहां पे मान लीजिए श्याम एमपी के हैं तो यहां एमपी कर दिया और यहां से आएंगे तो यहां पर एमपी के जो भी आपका सिटी है उसका नाम आप चूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहां पर ड्रॉपडाउन बनाई जा सकती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ड्रॉपडाउन कैसे बनाई जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्टेट और सिटी के नाम ड्रॉपडाउन में आ रहे हैं, उस तरीके से आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, ओके।